महिला नहीं लड़ती, आज तो हमारे एयरफोर्स में, आर्मी में, नेवी में सब हमारी बेटियां आगे जा रही है। खास कर तुम्हारे यूपी में बेटो देखो बस चला रही है, बस चलाती है बेटियां, पारा मिलिट्री में है, पुलिस में है, हर जगह है। जमाना बदल गया है, इसीलिए कि जब वो जमाना चला गया कि किसी का कोई काम ना, कोई भी कुछ काम कर सकता, उसके लिए कार ही ना। देखिए आप तो MBBS डॉक्टर नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर बन गए, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है ना भाई, आपका बैकग्राउंड मेडिकल नहीं है, लेकिन देखिए आप बहुत बड़े डॉक्टर बन, जब सीखोगे तो सीख लोगे, इसमें क्या सर, सीखोगे तो सीख लोगे, नहीं सीखोगे तो नहीं सीख पाओगे। प्यारे दोस्तों, पहला हो गया आपका अहिंसा, दूसरा हो सत्य, अस्त्य चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना, मारे जाओगे लात, चोरी क्या, चोरी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, काम ऊर्जा प्रकृति ने बनाया है, आप भगवान बोलोगे अल्लाह बोलोगे छोड़ दो, सौ में नहीं जानता, ज्ञान ही नहीं है उन लोगों के बारे में, तो मैं साइंटिस्ट उसी ले जो मैं समझता हूँ उसी को समझता हूँ, आप कुछ भी बोलो मैं विश्वास ही नहीं करूँगा, विल नॉट ट्रस्ट, समझ रहे हो क्या, जो सच है उसको समझने की कोशिश करूँगा। वैज्ञानिक यही काम करता है, सच को समझने की कोशिश करता है, वो किसी की कहीं भी बात पर भरोसा नहीं करेगा, आप ही सीख लो अगर अकल अकल है, नहीं तो दूसरे रास्ते पर जाओ बड़ा दिमाग जाओगे, दूसरे क्या बोला समझे नहीं उसको फॉलो किया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जब कुछ पढ़ा रहा हूँ तो समझिए, सोचिए और सवाल पूछिए कि इसका मतलब क्या है, अगर समझ में आया बोलिए, कुछ बोलना चाहिए क्या, ब्रह्मचर्य का नियम पूछ रही है, ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि अपने ब्रह्मचर्य का मतलब कि अपने काम ऊर्जा को नियंत्रित रखो, बेकाबू मत कर दो, जैसे हमारे यहाँ जो रोमियो स्क्वायर क्यों है, हमारी माँ बहन बेटियों का इज्जत खतरे में है, क्योंकि जानवरों की तरह वो क्या है, किसी माँ बहन बेटी की इज्जत पर वो हमला करते हैं, उनके साथ छेड़खानी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, लेकिन आप देखिए ब्रह्मचर्य का मतलब है हमारे समाज में हर तरह के कानून कायदे, हमारे जो सेक्सुअल एनर्जी है इसके जो ग्रेटिफिकेशन है इसकी जो सेटिस्फैक्शन है उसके लिए हम लोग एक शादी इंस्टीट्यूशन बना दिया, मैरिज इंस्टीट्यूशन, क्या बोलते हैं उसको, मैरिज इंस्टीट्यूशन, वहाँ किसी पर रोक टोक नहीं है क्या, एक बाप अपने बेटी को किसी बाप के बेटे को हाथ में दे रहा है, आप सब लोग जाके आशीर्वाद दे रहे हैं, ये तो मेरे माँ बाप की है आपकी है, सब कर वह ब्रह्मचर्य है, वो ब्रह्मचर्य सच ब्रह्मचर्य है कि जहाँ जो आपको करना वही करो, नहीं समझे क्या, मालूम कोई पति पत्नी भी यहाँ शुरू कर दे नाटक तो अच्छा लगेगा क्या, तो हर सभी समाज में तो एक सभ्यता संस्कृति होती है ना, तो समझ गए बेटा, ब्रह्मचर्य का मतलब ये ही नहीं कि आप सन्यासी हो जाओ, उसका तो मैं विरोधी हूँ, मान लीजिए मेरे कारण बोले शादी नहीं किए और कोई शादी नहीं किया, चल जिससे फायदा लिए उसी का विरोध करे, तुमसे बड़ा भूत कौन होगा, विवेकानंद क्यों, समझ आ रहा क्या, विवेकानंद कैसे पैदा लिया, माँ बाप के कोख से पैदा लिया ना भाई, आप लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े ना, तो उसके माँ बाप भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इस्तेमाल किए, पूरे जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य पूरे कर, इसमें क्या बुराई है, प्रकृति का रचना है, नियम है, उसका सम्मान करना चाहिए, है कि नहीं भाई, लेकिन ये पर्दे के पीछे है, बहुत तहखाने में छुपा हुआ है, आप लोगों को हिम्मत नहीं है कि मेरी तरह इतनी जोर से बोल सकते, हमें नहीं बोले क्या बच्ची कुछ किसी, लेकिन कुछ कोई इसका विरोध ही है कि हमको ब्रह्मचर्य का मतलब कभी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं करना चाहिए, मूर्ख कर मां मूर्ख उसी से पैदा ले उसी का विरोध कर रहे, नहीं समझे, समझ में आ रहा है ना, जिससे तुम गाड़ी उत्पत्ति हुई उसी का विरोध कर रहे, कैसा मूर्ख है, समझ में क्या बाबू, समझ में आया क्या, बिना रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कोई पैदा नहीं था, बोलो, लेकिन आप सबको रिप्रोडक्टिव करने लगे तो बहुत मुश्किल है, तो जमीन रात हो जाए क्या, अब देखो सुनिए ये दूसरा ही सवाल पूछ दिया, लेकिन देखो इसका सवाल का जवाब ये खुद देखो, तुम ही बताओ कब से शुरू करो, अरे छोड़ दो यार, ब्रह्मचर्य का मतलब है कभी सेक्स के बारे में नहीं सोचना, तू 10 साल 12 साल से सोचना शुरू किया और इसके बाद तरह तरह के पैटर्न बताए, मन से पूछो मुझे मत पूछो, अपने अपने मन से पूछ लो क्या किया, हमको सब पता है कौन किया, क्योंकि तू भी एक आदमी हो, जो आदमी करता है वही तुम कर दो, तुम उससे हटके नहीं हो, नहीं मैं उसी में शामिल हूँ, समझ में एज क्या है इसमें, वो जो एज इसलिए लगा दिया कि बालिका जो है छोटी बच्ची को शादी कर दोगे तकलीफ हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई नहीं होगा उसका,
भाई जब ही शादी हो जाएगी तो बाल बच्चे मुश्किल हो जाएगी पढ़ना लिखना, इसीलिए 21-18 ऐसे ऐसे नियम कानून बता दिए। लेकिन ये सेक्सुअल एनर्जी तो बचपन से शुरू होता है भाई। सेक्सुअल एनर्जी क्या नहीं, आँख दिखता है, कान दिखता है, मुंह दिखता है, सब दुनिया का सारे सिस्टम चलते हैं, तो क्या बड़ा बन के बैठा रहेगा क्या? तो आप उसको दबा के रखना है, रुको रुको बेटा थोड़ी देर, अभी टाइम सही नहीं, क्या अभी टाइम सही नहीं।